काफ़ी लंबे समय से हम लाइव नहीं आ पाए थे, कोशिश की जा रही थी कि आपके बीच आए, लेकिन समय की कमी होने की वजह से लाइव नहीं हो पाए थे। तो जितने लोग जुड़ चुके हैं, सबसे पहले तो बता दें कि आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है, और अगर आवाज़ आ रही है तो उसके बाद में वीडियो को कर दें लाइक, फिर हम करते हैं शुरू आपके सारे सवालों के जवाब जितने यहाँ पे लिखे हों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीटों के बारे में, 69,000 पदों के बारे में, काउंसलिंग, नियुक्ति पत्र, NOC, MRC, CBI, पेपर रद्द वाला मुद्दा, BED वाला मुद्दा 69,000 के अंदर, सेकंड काउंसलिंग, LGBT का क्या क्या प्रभाव है, इन सभी सवालों के साथ में हम जो वीडियो को शुरू करेंगे और इसके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी कमेंट करके बोल रहे थे कि सर लाइव आइए, तो लाइव के लिए थोड़ी समय की प्रॉब्लम थी, लेकिन फ़िलहाल आ चुके हैं तो जल्दी से बता दीजिए। प्रणाम प्रणाम डियर, आवाज़ को लेकर कंफर्मेशन कर दो सब कुछ ठीक है, और अगर सब कुछ ठीक है तो वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से, सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो अपने ग्रुपों के अंदर इस वीडियो को शेयर भी कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ और अपने सभी सवालों के जवाब यहाँ से ले पाएँ। ठीक है, हाय हेलो, क्या सर BED बाहर हो सकता है? पहले आवाज़ का बताइए फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, 14 जुलाई को सब कैसे बहस हो जाएगी? बात करते हैं डियर सवालों को लेकर। अभी तक किसी ने कंफर्मेशन नहीं दिया कि आवाज़ वगैरह आ रही है, 1.5 मिनट हो चुका है। ठीक है सर, लिखा है सुजीत ने, ओके चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर ठीक है तो वॉइस सही आ रही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो काफ़ी सवाल मेरे पास आने शुरू हो गए। आमतौर पर BED वाला एक सवाल हमेशा वीडियो के नीचे देखने के लिए मिलता है, और BED के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि BED को लेकर जब जब आप पूछते हैं, मैंने उससे पहले कई बार आपको बता दिया है। ठीक है, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि BED बाहर हो जाएगा। इस चीज़ को लेकर जो भ्रम सोशल मीडिया पर चल रहा है उससे थोड़ा दूरी बनाइए। ठीक है, BED के बारे में कई बार मैंने आपको बताया, कई बार मैंने आपको समझा दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक कह सकते हैं कंडीशन ऐसी क्रिएट कर दी जाती है कि लोगों के अंदर डराव, कि जो BED वाले हैं वो भी डरे और जो BED वाले नहीं हैं, क्योंकि BED अगर ये कह देंगे BED बाहर होने वाला है तो दूसरी टीम वालों को चंदा मिल जाएगा जो BED के लिए लड़ रहे हैं, मतलब कि BED के बाहर करवाने के लिए, है ना। तो दोनों साइड से ऐसा देखने के लिए मिलता है। अच्छा ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, BED को लेकर जब जब आप सवाल पूछते हैं, मैंने कई बार इस केस को जो है क्लियर किया कि BED यहाँ से बाहर नहीं होगा, बाकी जो भी होगा मैंने कई बार आपको समझा दिया। तो आप लोग एक सवाल को बार बार मत पूछिए, मैंने पहले भी इस चीज़ को लेकर कई बार क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब सवाल आता है चयन सूची के बारे में, बदलाव होगा कि नहीं होगा, तो मैंने इसके बारे में कई बार आपको बताया है। अगर आरक्षण संबंधित अगर बात करें, या फिर अगर बात करें जैसा कि आप सभी को बताएं जी आंसेगी वाला मुद्दा, जो कि लगभग 200 फिलहाल अभी तक ख़त्म है, आगे क्या होगा पता नहीं है, है ना। तो अगर आंसेगी वाले मुद्दे की हम बात करते हैं, वहाँ पे कोई बदलाव होता है तो चयन सूची के अंदर बदलाव होगा। ठीक है, BED की सुनवाई कब है? 14 तारीख को है, 2 पॉइंट हो जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है CBI जाँच वाला, पेपर रद्द वाला, अभी इसकी सुनवाई अगले दिन होने वाली है, कब होगी अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आया है, क्योंकि कोशिश नहीं आई है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, इसके अंदर बस इतना हो सकता है कि अभी सरकार को बहस करनी है, सरकार चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगी, काउंटर दाखिल करेगी, काफ़ी समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि पहली सुनवाई के अंदर कुछ हो जाएगा, अगर साक्ष्य पाए जाते हैं तो इसकी जांच करवाई जा सकती है, क्योंकि जांच जो है तो बहुत बड़ी बात है, बाकी इससे आगे कुछ भी नहीं होने वाला इतनी जल्दी, तो इतना नेगेटिव होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और अभिषेक शर्मा का कहना है कि मेरे एक परिचित हैं जिनका TGT मैथ में हो गया है, वो 69,000 में भी सिलेक्टेड हैं, तो अभिषेक शर्मा उनको बोलिए 69,000 से अब सीट को छोड़ दें, क्योंकि TGT मैथ हो चुका है, हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे नियुक्ति पत्र मिल जाए, लेकिन उम्मीद करिए कि हो जाएगा, है ना। और एक सवाल हो है यहाँ पर जो कि है, सर इतने सारे केस 14 तारीख को कैसे सुने जाएंगे? हाँ, ये सवाल काफ़ी है, क्योंकि ऐसे में पता है आपको बहुत सारे जो केसेज है वो लगा दिए गए जज साहब की तरफ से, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट है ना, आपने देखा डबल बेंच के अंदर इतने मामले नहीं सुनते थे, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि इतनी ज़्यादा जो केस हैं वो डिटेल में नहीं सुने जाएंगे, जो बहस पहले हो चुकी उनको रिपीट नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर
आने वाले समय के अंदर। थैंक यू सर लाइव आने के लिए, थैंक यू वेरी मच जी। मैं काफ़ी लोगों के कमेंट देख रहा था लाइव के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं आज समय निकाल के आपके बीच आता हूँ। काफ़ी कम लोग जुड़े हैं आज लाइव के अंदर, नोटिफिकेशन नहीं गया आई थिंक, है ना। तो जो ज़्यादा केसेस लगे हुए हैं ना, ये दो दिन के अंदर कंप्लीट हो सकते हैं। 14 और 15 दो दिन अगर सुनवाई होती है तो, उम्मीद तो ऐसी ही है, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है अगर 214 तारीख को सुनवाई हो जाती है तो। मान लीजिए 14 के बाद में अगली डेट जो लगेगी वो शायद इसकी फाइनल ही होगी, या फिर 14 को भी हो सकता है। गुड इवनिंग सर, इसी महीने नियुक्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अभी संभावनाएं बची हुई हैं। बाकी जो 14 की सुनवाई होगी बिल्कुल स्पष्ट कर देगी, ठीक है ना। सर LT का रिजल्ट SST का कब तक आ सकता है? भैया इसका लेकर जो मामला है वो हाई कोर्ट के अंदर गया हुआ है, सुनवाई होने वाली है 16 तारीख को। रिज़ल्ट कब तक आएगा? जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती है। कब दाखिल होगी बताने को कोई तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं LTO अगर बात करें, जो हिंदी सामाजिक का रिज़ल्ट है, उसके लिए लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 14 को फाइनल हो जाएगा, 14 और 15 दोनों को फाइनल होने की प्रबल संभावना है। स्वाति वर्मा का कहना है 14 को ललित सर बैठ रहे हैं। देखो अभी जो कॉज लिस्ट है वो नहीं आई है, जैसी कॉज लिस्ट आएगी बता दी जाएगी। जी वीरेंद्र दिवाकर जी, और सर गुड़ांग के बारे में बताइए प्लीज़। देखो गुड़ांग किसका बताना है, सेकंड का तो मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि हमें सीटों की संख्या नहीं पता है, है ना। अभी एक स्टूडेंट ने लिखा था कि 1000 से 2000 सीटें अगर डाउन जाती, मतलब कि बच जाती हैं, तो कितने अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। तो मान लीजिए 0.2 और 3 के अंदर यहाँ पर जो मेरिट है वो डाउन हो जाएगी, 0.3, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते। 2 मान के चलिए, 2 भी काफ़ी ज़्यादा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यू वेलकम डियर। NOC के बारे में बताइए, NOC की सुनवाई होने वाली है 13 तारीख को होगी, बाकी कॉज लिस्ट आने पर कंफर्म होगा, है ना। तो NOC अगर यहाँ से कैंसिल होती है तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को फ़ायदा देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। 270+ लोग देखें, वीडियो को लाइक नहीं किया। जब आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइव आने का बेनिफिट नहीं होता, मतलब कि एक पॉजिटिव नहीं होता, है ना। तो लाइक किया करो बिना गए, जल्दी से 100+ या 200 के आसपास लाइक कर सकते हो। सर मेरा कुशीनगर में हुआ है, मगर मुझे कम नंबर वालों को जिला पास हो गया, मेरा दूर हुआ है। सचिन कुमार, ये ओवरलैपिंग की वजह से आमतौर पर ऐसा होता है। इसी को लेकर 68,500 वाले कोर्ट चले गए थे। उनका कहना था कि हमारी तरफ से जो है, मतलब कि उनको कम गुणांक मिला था, आपकी तरह कम गुणांक वालों को आपका पास का मिल गया था, उनको दूर का मिला, तो उसी की वजह से ये MRC आ गया, मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, है ना। अब उसका जो पंगा है वो यहाँ पर पड़ गया है, मतलब कि थोड़ी दिक्कत हो गई है 69,000 के अंदर। TGT की वेटिंग लिस्ट आएगी, अभी तक कुछ कह नहीं सकते डीए, कंफर्म नहीं है। और प्रेम सरोज का कहना है कि सीटेट PVCA का बुक प्रैक्टिस सेट हो तो भेज दीजिए, टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। वैसे तो मैंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, सारे PVCA के जो पेपर हैं वो डाले हुए हैं मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। मैंने कई बार आई थिंक शेयर भी किए लिंक, तो आप वहाँ से जाएंगे तो मिल भी जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं यहाँ से एक लिंक शेयर करवाऊँगा आपको। अभी कमेंट बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा अभी मेरी तरफ से, उस पर जाएंगे तो सीटेट के आपको जो भी पेपर्स वगैरह चाहिए PVCA वाले, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। सर लाइक तो करें लेकिन आप हमारा कमेंट नहीं देखें। धर्मेंद्र कुमार, पता है क्यों नहीं देख रहे हैं? क्योंकि आप अपना कमेंट लिख नहीं है। अगर आप लोग ये सोचोगे कि सर आप बता नहीं है पूछने हैं, तो ऐसे करते करते आपका समय ख़राब होगा, ठीक है ना। CBI जांच होनी चाहिए, हो जाए तो अच्छी बात है। सर अब तो आंखें पथरा गई हैं इंतज़ार करते करते ज्वाइनिंग लेटर का। बिल्कुल डियर, NOC वालों की संख्या कितनी है? देखो 68,500 वालों की संख्या 10 से 15 हज़ार है। अब उसमें से कितने 67,000 के अंदर चयनित हुए हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है, एक अंदाजे के तौर पर कोई भी बता सकता है, ठीक है। लेकिन अगर 1000, 5000, 6000 भी होते हैं जो चयनित लिस्ट के अंदर हैं, तो बेनिफिट तो 100% मिल ही जाएगा, ठीक है। BEd का पेपर कब होगा बता दिया गया है, अभी तो लिस्ट आ गया था, उसका डेट भी अगस्त के अंदर डाल दी गई है उसकी, BEd की प्रवेश परीक्षा की बात करें आप आई थिंक, ठीक है। तो बता दिया है मैंने NOC के बारे में। सेकेंड काउंसलिंग में SC की कट ऑफ बता दो, कट ऑफ नहीं बता सकते हैं क्योंकि सीटों की संख्या नहीं पता है। हाँ अगर 1133 जो सीटें हैं वो इसके अंदर जुड़ जाती हैं तो काफ़ी डाउन जा सकती है, मान के चलिए कि 60 तक भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, है ना। और NOC वगैरह की वजह से और बेनिफिट मिल जाएगा, और बाकी LT TGT का आपको पहले बता चुका हूँ।
ठीक है ना। तो ये सारे केसेस को ध्यान में रखिए, इनसे बेनिफिट मिलेगा। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते, लिंक आपसी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है सर। एलटी की वेटिंग लिस्ट आएगी, अभी तक तो कोई कन्फर्म नहीं है, जो पद खाली गए उसके बारे में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पर धरना प्रदर्शन वगैरह होते हैं वेटिंग लिस्ट के लिए तो कन्फर्म किया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसकी एक नई वैकेंसी आने की संभावना है, जो कि लोक सेवा आयोग से ना हो तो अच्छा है, क्योंकि एक तो भर्ती इनसे 3 साल में पूरी हुई है ना। 67,867 बच पाएगा क्या? देखो अभी तक तो बचा हुआ गौरव जी, बाकी आने वाले समय के अंदर क्या होगा इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आरक्षण वाले जो मुद्दे लगे हुए हैं, मैं हमेशा से एक आंसर आपको करता हूँ कि अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। 67,500 के बारे में बताइए, पूछिए क्या पूछना है 68,500 के बारे में। अभी उसका मामला डबल बेंच के अंदर गया हुआ है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। सर कब तक क्लियर हो सकती है 69,000 वैकेंसी? देखो क्लियर तो जून के अंदर होने वाली थी, लेकिन फिर जुलाई निकल गया है ना। तो पॉजिटिव रहिए, पहली जो सुनवाई होने वाली है 14 तारीख को, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सब कुछ डिसाइड हो जाएगा पहली सुनवाई में, ठीक है। सर पहले नियुक्ति किसे मिलेगी, एलटी या टीजीटी को? मनीष सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है, मनीषा सिंह आई थिंक आपका नाम जी, तो एलटी वालों को पहले मिल जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी देखते हैं क्या निकलता है। तो 325 लोग देख रहे हैं, लाइक करो तो ज़्यादा से ज़्यादा, 300 तो कही दो कम से कम। सर पीजी सप्लाई मेरा जो है 70.22 है और मेरी फ्रेंड का 69.21 है, बट उसे मिर्ज़ापुर मिल गया, मुझे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला, बहुत दूर कुशीनगर मिल गया। जी डी आर ये ओवरलैपिंग की वजह से हुआ है, इसमें कई बार देखने के लिए मिलता है, और इसमें क्या होता है ना कि ओवरलैपिंग के केस के अंदर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं हुई है, लोग कहते हैं कि नहीं हुई है, हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि इसके बारे में कुछ कह पाना एक विवाद का विषय है, क्योंकि हमारे पास ना तो उसके अंदर कोई डाटा है रिजर्व कैटेगरी अनरिजर्व का, लेकिन आमतौर पर जब हाई मेरिट हुई है उसको उसका जिला नहीं मिल रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि वो इसकी वजह से बाहर गया होगा। मैं चाहता हूँ कोई नकल वाला इसके अंदर ना हो, बिल्कुल इसको लेकर जांच जारी है, लेकिन जांच सिर्फ जारी है, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, अभी तक कोई इतनी बड़ी जांच नहीं हो पाई है। जैसे स्टार्टिंग में एक लगा था भांडा सा फूट रहा है, फिर उसके बाद से सब कुछ ठीक सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर बीएड वालों के लिए डेंजर है क्या? अरुणा तिवारी जी, मैंने बीएड के बारे में आज से पहले लगभग 2 साल से, जब से 69,000 फंसी है, ऐसा कई बार हुआ है सुनवाइयों के अंदर, लेकिन मैंने कई बार बताया कि अभी तक बीएड को लेकर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। अखबारों के अंदर देख लो कोई न्यूज़ नहीं है, बस ये बाहर ऐसी न्यूज़ें चल रही हैं, अगर ऐसा होगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। बाकी ऑर्डर आने दीजिए, ऑर्डर आने पर बता देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर एलटी और टीजीटी के साथ हमें भी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, मिल रहा था आप लोगों को, बस थोड़ा नसीब ख़राब था, कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे मिल जाएगा। सर ऑनलाइन डोमिसाइल बना हुआ है, वैलिड होता है क्या? बिल्कुल बना होता है, वैलिड होता है। सर बीएड मुद्दा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा बीएड मुद्दे, परेशान मत होइए, ठीक है। और रजनीश उपाध्याय कहना है सूची बदलेगी क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी तक तो नहीं बदली है, बदलने के जो पॉइंट हैं वो आरक्षण मुद्दे और आंसर की मुद्दे हैं। अब देख लो, आरक्षण मुद्दे के बारे में बता चुके हैं, जो भी होगा वो स्पष्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट वापस होने से हमारा नुकसान होगा क्या? बिल्कुल नुकसान होगा, आपको दोबारा जाना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, काउंसलिंग करानी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं है आपको, है ना। पहले टाइम ख़राब हुआ दोबारा होगा, लेकिन चलो। सर काउंसलिंग कब होगी? अगर मामला 15 तक फाइनल होता है तो मान के चलिए इसी महीने के अंत में काउंसलिंग हो सकती है, और अगर मामला आगे जाएगा तो थोड़ी दिक्कतें हैं। अच्छा 200 लोगों ने भी लाइक नहीं किया, मैंने कम से कम 400-500 लोगों के तो आंसर दे दिए, ये तो ठीक नहीं है। त्रुटि संशोधन का क्या होगा? हाँ इसको लेकर बार बार लोग पूछते हैं, मैंने बताया कि एक ऑर्डर आया था जिसके अंदर कहा गया था कि अपने नियमानुसार बेसिक शिक्षा परिषद जो होगा वो डिसीजन ले सकता है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया किस तरीके से होना है कि नहीं होना है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जो चयनित हैं उनका करा दिया जाए, ठीक है। तो अभी जब तक अधिकारियों की तरफ से या फिर अगर बात करें शासन की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आता, तब तक कुछ कह पाना मुश्किल है। और पिछड़ा वर्ग आयोग का स्टे है क्या? अभी तक तो है, लेकिन उसको सरकार की तरफ से जो कहा गया स्टे के बारे में,
उनका कहना है कि हमारी तरफ से जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, बाकी देखते क्या होता है, एनओसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एनओसी के बारे में मैंने उनको बता दिया आप लोगों को कि अभी तक तो ऑर्डर आया सिंगल बेंच का, उसके आधार पर मिलेगी। डबल बेंच का जो आएगा उस पर आप लोग इंतज़ार करिए, जिसकी सुनवाई 13 तारीख को संभावित है, बाकी कोजिस्ट आने पर देखेंगे क्या होता है, तो उसके बाद कन्फर्म होगा। अभी तो मिल रही है फ़िलहाल, है ना। 67,500 की 5th काउंसलिंग कब होगी, थोड़ा सा अभी समय लगेगा कीर्ति जी, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, पीएनपी अभी काम कराने के मूड में नहीं है। ठीक है, एनओसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होगी हिमांशु गोयल, अगर आपने बनवाया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, बहुत संतुष्टि मिलती है जब आप लाइव आते हो, थैंक यू वेरी मच डियर। थोड़ा समय कम पड़ता है इस वजह से लाइव नहीं आ पाते, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके बोल रहे थे, तो फिर मैंने आज सोचा कि लाइव आ जाते हैं। सर 1133 सीटों के बारे में बता दीजिए, मैंने बता दिया इस पर सरकार से काउंटर मांगा, 3 हफ्ते का समय दिया गया, 1 हफ्ते का समय रिजेंडर के लिए जो कि याची पक्ष है ना, तो इसको लेकर अभी सुनवाई होगी, मान के चलिए 20 जुलाई के आसपास हो जाएगी। जब काउंटर आएगा, काउंटर नहीं आएगा तो अगस्त में देखने के लिए मिलेगी, तो अभी काउंटर के बारे में कुछ नहीं मिला है, कहाँ कहाँ पर डॉक्यूमेंट वापस हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट के बारे में अमेठी बताया, इटावा और हाथरस, और उसके बाद में अगर बात करें लखीमपुर की बात कर सकते हैं, और एक और था सबसे पहले जो था, कौन सा था वो, प्रतापगढ़ था। 5 जगह से नोटिफिकेशन आया है, बाकी अन्य जगह से जो है नहीं आया है। ठीक है, पी यादव बहुत परेशान है, आई थिंक आपका ही मैंने आंसर किया है, बाकी दोबारा लिख देना, मैंने देखा नहीं होगा किसी और का किया होगा। तो एलटी का रिज़ल्ट कब आएगा, उनका कहना है कि जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती तब तक तो नहीं आएगा, अब इसको लेकर क्या कर रहे हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कुछ। ठीक है ना, बहुत टेंशन हो रही है सर, परेशान मत होइए जगदीश जी, देखो आने वाले समय के अंदर आप एक परेशान नहीं हो, जो लोग ये कहते हैं सर मैं बहुत परेशान हूँ, जी देखा जी पता चल गया प्रतापगढ़, थैंक यू, तो इसके अंदर लगभग अगर देखा जाए तो 67,000 के आसपास सभी अभ्यर्थी परेशान हैं। अभी एक स्टूडेंट ने मुझे रात को आई थिंक थोड़े दिन पहले एक फेसबुक पर मैसेज किया था, मुझे समय नहीं मिला, मैंने उसका देखा सर हमारी तो किस्मत बहुत ख़राब है, हमारी तो किस्मत बहुत ख़राब है, बहुत बार कहा, तो मैंने उनको कहा कि सिर्फ आपकी किस्मत ख़राब नहीं है, 69,000 के अंदर जितनों ने पेपर दिया था 410,000 उनकी भी किस्मत ख़राब थी, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद में 146,000 की किस्मत ख़राब थी, रिज़ल्ट आने के बाद जो चयनित हुए उनकी भी ख़राब है, जो चयनित नहीं हुए उनकी भी ख़राब है, तो ऐसा नहीं किसी की किस्मत ख़राब है, बस ये है कि सरकारियों की गलती की वजह से थोड़ा सा समस्या हो रही है, तो किस्मत को दोष और अपनी मेहनत को परेशान मत होइए, आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम मिलेगा, पॉजिटिव रहिए। सब पेपर रद्द होने की संभावना है, बिल्कुल 0% कुछ भी संभावना नहीं है पेपर रद्द होने की। टाइगर ब्रिद अमेश अपना नाम लिखिए और उसके बाद अपनी जो पॉइंट है वो पूछिए बस। सर आगे यूनिवर्सिटी 2013 बीएड के स्टूडेंट किया था, मेरा 5 नंबर कम हो गए हैं, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। वीरेंद्र जी क्या प्रॉब्लम आ गई, 5 नंबर कम हो गए तो इस केस के अंदर क्या किया जा सकता है बताइए। ठीक है सर, एसटी की सीट जुड़वाने के लिए क्या करें कुछ बताइए। अमित कुमार की तरफ से याचिका फाइल की गई है, वो इस मामले को लड़ रहे हैं, अभी सुनवाई होगी उसमें केस चल रहा है। हाँ सीट मर्ज हो जाएंगी, मैंने बता दिया केस चल रहा है इलाहाबाद और साथ में लखनऊ के अंदर भी एक केस है जिसकी सुनवाई हो चुकी है, सरकार से काउंटर मांगा है, तो पेशेंस रखिए, अभी फ़िलहाल जो भी चीज़ें आपके सामने होंगी। ठीक है, 60.93 एससी में क्या चांस है, देखो चांसेस तो कईयों के हैं लेकिन एक गुणांग के बारे में कुछ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, कम गुणांग वालों के अलग से मैं एक सर्वे लिंक बनाने वाला हूँ, जैसे कि 69,000 के अंदर मैंने किए थे, उसके माध्यम से मैं आपके सारे डाटा को लूँगा, धीरे धीरे सभी चीज़ों को एनालाइज़ करेंगे, लेकिन जैसे पदों की संख्या पता चलेगी कितनी खाली हो सकती है उसके आधार पर एनालाइज़ करके आपको बताएंगे। ठीक है, बीएड के बारे में बताइए, मुझे उम्मीद है कि आप अभी अभी जुड़े हैं, मैंने बता दिया बीएड के बारे में, बहुत बार बता चुका हूँ आज से पहले भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इससे पहले वीडियोज़ के अंदर भी मैंने कई बार बता दिया, तो परेशान मत होइए। ठीक है, ग्रुप डी में हूँ, क्या एनओसी लगेगा, बिल्कुल लगेगा महेश यादव, अच्छा अभिषेक पाल, ये लो जैसे, ठीक है। और सर नियुक्ति पत्र 25 जुलाई तक मिल सकता है, अगर मामला फाइनल हो जाता है तो 25 से शुरू हो जाएगा प्रोसीजर जो भी होगा। ठीक है, अच्छा सर दोबारा चार्ट बना है तो उसमें 5 नंबर कम हो गया, आई थिंक कम बताए थे आपने, है ना, तो उस केस के अंदर एफिडेविट लगा देना, ठीक हो जाएगा।
40-45 पे कितना मेरिट होगा, बस पूछिए मत, 40-45 सभी पास हो जाएंगे। बताया तो अभी 2,15,000 बीएड बीटीसी पास हो रहे हैं और शिक्षा मित्रों की संख्या 40,000 है, तो मेरिट बचेगा क्या? 40,000 शिक्षा मित्र ले जाएंगे, बाकी फिर जो दूसरे वाले आएंगे, अगर हम बात करें जो अदर केसेस के अंदर हैं, फ्रीडम फाइटर, इनका कार्ड छाट करके कुछ भी नहीं बचेगा इसके अंदर 69,000 पदों में से, है ना। सेकेंड लिस्ट में कितनी जाएगी ओबीसी की, उम्मीद कर सकते हो, अभी कोई कट ऑफ के बारे में नहीं बताया जा सकता क्योंकि यहाँ पे हमें सीटों की संख्या भी निर्धारित नहीं है, ठीक है। बस उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे समय निकल रहा है तो बेनिफिट मिलेगा। और सेकेंड काउंसलिंग का जो वेट करें कैंडिडेट याची बनना आवश्यक है, बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट के लिए भी वैसे तो आवश्यक नहीं है, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें कर सकते हैं, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सेकंड वालों का तो कोई पॉइंट ही नहीं है अम्बरीश जी, ठीक है। पीएच के लिए सेकंड काउंसलिंग में कितना तक हो सकता है, सुजीत जी सीटों के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ, क्या है कि अगर हम बात करें किसी की सीट कितनी गई है, कितनी खाली रह गई हैं, अगर यहाँ पर 500,000 सीट रहेंगी तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कुछ पॉइंट ही बनेगा, है ना। सीटों की संख्या 1,000 रह जाती, 2,000 रह जाती तो बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ डिपेंड सीटों पर है, सीटों के अलावा कुछ भी नहीं है। एनओसी स्टॉप हो सकता है, देखिए अगली सुनवाई के अंदर क्लियर हो जाएगा एनओसी के बारे में, एनओसी की सुनवाई होनी है अभी 13 तारीख को, फिर कंफर्म होगा। सर भर्ती कब पूरी होगी, बस इसका सवाल का जवाब दे दीजिए, इसका सवाल का जवाब तो बहुत मुश्किल है, हमने तो जून के अंदर कहा था और सब कुछ ठीक भी था, होने वाली भी थी, तो ऐसे ही मान के चलिए कि अगस्त के अंदर तो 100% हो ही जाएगी, और अगर मामला 14-15 को फाइनल हो गया तो इसी महीने हो जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के बारे में कोई सूचना, अभी सुनवाई नहीं हुई है, जब सुनवाई होगी तो सूचना भी निकल आएगी, मामला लगा हुआ है कोर्ट के अंदर। कितने लोग वीडियो को देखें, लाइक करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, तो 14 को सीट होल्ड हट जाएगा, हो सकता है डीएस हट जाए, क्योंकि यहाँ पर जो सीटों का होल्ड किया गया था उसको लेकर सरकार की तरफ से जो मॉडिफिकेशन दाखिल किया है उसके बारे में जो पॉइंट रखे गए हैं, अगर उनसे जज साहब सहमत होते हैं तो सीटों का जो होल्ड है वो हट जाएगा। सर मैंने इंस्टाग्राम पर कुछ पूछा था, डीएम मैं थोड़ा कम उसको चला पाता हूँ, आपको बताया थोड़ी चीज़ें काफ़ी हैं क्या क्या चलाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पर जो जो आपने पूछे होंगे सब जगह पर आंसर कर दूँगा, परेशान मत होइए, देखता हूँ आज ही निकाल कर के मैं। सर बीएड का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा बीएड का, बस आप लोग अफवाहों से बचिए, ठीक है ना। सर क्या डीडी दोबारा बनवाना पड़ेगा, अब पुराने वाले को कैंसिल करवा दिए, दोबारा जब नीड पड़ेगी तब बनवा लेना, नुकसान तो होगा लेकिन थोड़ी दिक्कत है। गुड इवनिंग, ठीक है। सिंगर उदय कुमार जी अभी अभी आए हैं, फ़ोटो चेंज कर दी क्या, नहीं वो दूसरे थे शायद, है ना। बताओ ना गुरु जी सेकेंड काउंसलिंग में कोनो चांस है ओबीसी 66.43, हाँ चांस तो है, लेकिन मेरी भोजपुरी थोड़ी कमज़ोर है, चांस तो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अरे सर बता दीजिए, पूछ लीजिए प्राची चौहान जी, आप सवाल डालिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ सभी के रिप्लाई करने की, ठीक है। सर आपकी बात ट्रू होती है क्योंकि हम सभी बातें एनालाइज विश्लेषण के आधार पर आपको बताते हैं, कोई भी बात हवा में नहीं डाल देते हैं तो सही हो जाती है ना। सर संशोधन होगा कि नहीं होगा, बता चुके हैं इसके बारे में, हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जो चयनित हैं उनका संशोधन करा दो विचारों का, अब ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से क्या होता है उसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। गुड इवनिंग, क्या बीएड बाहर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। प्राची चौहान का कहना है सर 40-45 हो सकता है क्या, प्लीज़ संभावना तो नहीं है डीए ऐसे कुछ होने की अभी तक 40-45 की, एक भर्ती के अंदर दो कट ऑफ नहीं हो सकते हैं, अगर 40-45 कर दिया तो 3,00,000 लोग पास हो जाएंगे, अगर 2,50,000 मान के चलो, अब 2,50,000 में क्या होगा, जब 60-65 पर 1,46,000 पास हो जाएँ तो 40-45 करने से पहले जज साहब को भी सोचना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी संभावना अभी नहीं है क्योंकि अभी 40-45-60-65 को लेकर बहस होगी, ठीक है। और सर डॉक्यूमेंट ले जाने, अच्छा लेने जाने 14 के बाद में अगर आपको बुलाया तो आप ले आइए, ऐसे मेरा सजेशन है, क्योंकि मैं आपको सच बताना चाहूँगा, सरकारी कार्यालय आप सभी जानते हैं क्या होता है वहाँ पर, है ना, कोई अच्छे तरीके से आपको डॉक्यूमेंट नहीं रखे जाते हैं, अब ऐसे में अगर आपको बुलाया जा रहा है तो 100% ले आइए, ठीक है, जहाँ से आपको कॉल आया है मतलब कि नोटिफिकेशन आ चुका है,
वहाँ से। सर मेरे टेट के रजिस्ट्रेशन में माता की जगह पर पिता का नाम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसमें एफिडेविट लगाओगे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई लव यू सर, थैंक यू डियर। सर रजिस्टर्ड वालों को सीतापुर मिला है, वेरीफाई में क्या रहेगा? वेरीफाई में जो डॉक्यूमेंट है वही लेकर के जाने, अब कई बार बता दिया हमने आपको। सर बता दीजिए ओबीसी कितने में होगी? देखो गुड़ांग के बारे में आप लोग जब पूछते हैं ना थोड़ा सा मुश्किल है, 69,000 में हमारे पास सामने था 69,000, इतनी गुड़ांग के है। जब जब हम आपको गुड़ांग की वीडियो बनाते हैं तो आपको बता दें ना कि ओबीसी की इतनी सीट निकाल दो, एससी की इतनी सीट निकाल दो, है ना, एसटी की इतनी सीट निकाल दो, अब इतनी सीटें बची, इसके आधार पर ऐसा हो जाएगा, उसके आधार पर ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सीटों की संख्या नहीं है, अगर हम 1,000 की बात करें तो कुछ पॉइंट में कट ऑफ नीचे जा सकता है, 2,000 जाएगा तो उस पॉइंट से थोड़ा सा और नीचे चला जाएगा, 4,000-5,000-6,000 सीटें जाती हैं तो एक गुड़ांग तक नीचे आ सकता है, है ना। तो इसके बारे में किसी का गुड़ांग बताना मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता है, और जो चीज़ मैं बताऊँगा मेरे बाद में आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई किसी को ऐसा दिलासा सा नहीं दिया जाए कि यार चलो हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुश्किलें हैं। ठीक है, सर आप हमारा जवाब नहीं दें, बीए सेकंड ईयर की मार्कशीट पर एनरोलमेंट नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल होगी कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें, है ना, एनरोलमेंट नंबर हो या ना हो, गलत हो गया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस नंबर गलत नहीं होने चाहिए, जो मार्क्स हैं आपके, प्लीज़ अप्लाई, मार्कशीट करेक्शन लिए दी गई है, और रिक्रूटमेंट कब स्टार्ट होगी? LU में आपने दी है तो रिक्रूटमेंट हो सकता है कि इस महीने के लास्ट में स्टार्ट हो जाए, उम्मीद करिए कि जल्दी हो जाए। ठीक है, बाकी सुनवाई के बाद देखते हैं। बूथ लक्षी संशोधन क्या होता है? बूथ लक्षी संशोधन इंदेजी ऐसे होता है, जैसे NCTE की तरफ से 28 जून 2018 को BEd को एलिजिबल कर दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है कि वहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट BEd को एलिजिबल करना चाहती है तो उसने जो संशोधन किया वो अगले साल किया, नेक्स्ट ईयर, एक साल बाद, तो वो लागू जो होगा वो 28 जून 2020 से लागू हो जाएगा, है ना। तो इसको भूतलक्षी आप कह सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है। तो उसके अंदर लिखा होता है कि कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको लागू करना चाहती है तो वो पुराने उसी डेट के अकॉर्डिंग किया जाएगा जब NCTE ने लागू किया था। ठीक है, तो उसी को भूतलक्षी है, अब उसी को चैलेंज किया गया यहाँ पर। सर आपने कहा है तो सब अच्छा ही होगा, बिल्कुल डियर अच्छा होगा, होता आया भी है, थोड़ी थोड़ी दिक्कतें बीच में आ गई हैं। सर PN में भर्ती फंसाने को केस करना चाहिए? वैसे तो बहुत सारे केस PNP ने ही फंसाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सर प्लीज़ मेरा मैसेज रीड करिए, आप लिखते रहिए डियर, बस अब सिर्फ 3 मिनट का समय बचा है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर लीजिए, जिसका कोई रह जाएगा आप लोग मुझे लिंक दिए, मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फेसबुक वगैरह जहाँ से आप जुड़ सकते हैं वहाँ से पूछ लीजिएगा। सर मेरा जवाब दीजिए, क्या इनका निकल गया, मेरे जवाब दीजिए, क्योंकि जो चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, रमाकांत राव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर काउंसलिंग को फ़ोटो नहीं दिए, कोई दिक्कत है? कभी तो दोबारा मौका मिल जाएगा आपको कराने का, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और सर DD के दूसरे अकाउंट की बनवाई, कोई दिक्कत है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। चेंज सूची चेंज तो नहीं होगी? नहीं, क्यों चेंज होगी, अभी तक तो कुछ भी नहीं है, बाकी आगे देखते हैं आरक्षण वाले जो मुद्दे लगे उनमें क्या होता है। ठीक है, कितनी सीट खाली हो सकती है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? उम्मीद है डियर, BTS और NCBC की तरफ से जो स्टे उसका क्या होगा? अभी तक जो स्टे दिया गया सरकार की तरफ से बताया गया आपको बताए, है ना, उनका कहना है कि उनके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, बाकी आपको पता है कि समस्या तो है इसके अंदर, लेकिन सरकार जब एक बार डाटा दे देगी तो वहाँ से जो स्टे है वो हट जाएगा, क्योंकि आरक्षण के अंदर अगर सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो कोई बचा नहीं सकता इस भर्ती को, फिर समस्या हो जाएगी। ठीक है सर, मेरी मार्कशीट पर कलर लग गया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। ठीक है सर, 12th के मार्क्स में 3 नंबर कम हो गया है, कैसे कम हो गया? फॉर्म भरते समय 29,334 का अपडेट दे दीजिए। हाँ, 29,334 की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, सरकार की तरफ से काउंटर फाइल किया गया है, धर्मेंद्र भर्ती का पूछना है कि 29,339 में सरकार की तरफ से काउंटर फाइल हुआ है। ठीक है,
बाकी मैं इसके बारे में रीड करके आपको और बता दूंगा, मुझे जानकारी मिली थी इसके बारे में। जी नहीं जुड़ता है रमाकांत राव, बिल्कुल सही है, हो जाएगा राजकुमारी जी, परेशान मत होइए, उम्मीदें काफ़ी हैं। तो चलिए, लगभग मैंने जैसा कि बोला था 3 मिनट का समय था, सभी के सवालों के मैंने जवाब दे दिए, बाकी अगर किसी का कोई रह गया तो परेशान मत होइएगा, आने वाले समय के अंदर आपको दे दिया जाएगा। नहीं, अगर NOC अगर आप टीचर के अन्य के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप NOC लगा सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो NOC मांगी है वो पुरानी मांगी है डेट, ठीक है ना, 22/12/2018 तक की, उसके बाद की है तो क्या होगा वो बाद में पूछा जाएगा, लेकिन अभी तक तो सब वैलिड हैं, जिनके पास NOC है या नहीं है सभी वैलिड हैं, लेकिन जो सुनवाई होगी NOC को लेकर, वहाँ से क्या डिसीजन आएगा, उसमें जो भी समीकरण होंगे वो चेंज हो सकते हैं, उसको लेकर आप लोग इंतज़ार करिए। सर, रकीमपुर के डॉक्यूमेंट नहीं मिले, हमारी BSA से बात हुई, अच्छी बात है डियर, ऐसे आप लोग कमेंट में एक दूसरे को रिप्लाई कर दिया करिए, जिससे कि बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए, मैंने बता दिया भूतलक्षी संशोधन के बारे में, थोड़ी देर पहले ही मैंने डिस्क्राइब किया है, इससे थोड़ा पीछे जाके की वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। जितने लोग जुड़े उन सभी का थैंक यू, किसी का सवाल रहेगा परेशान मत होना, ठीक है, वीडियो को लाइक करके और साथ में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को दबा के। बाय बाय।